वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो लेकर आए क्लास एट्थ के लिए। चैप्टर सेकंड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करा दी थी यहाँ पर। अब आती है सेकेंड एक्सरसाइज। तो सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है, सेकेंड एक्सरसाइज में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो यहाँ पर MCQs दिए हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है लेकिन सॉल्व करके हमें बताना है। चलिए अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 15, द नंबर आर। इसने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोले हैं। देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, वन बाई वन एक नंबर है उससे एक जो बड़ा होगा वो उसका कॉन्जिक्यूटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ इसने बोला है द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज, द फर्स्ट नंबर इज एक्स, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, एक ज़्यादा होता है कॉन्जिक्यूटिव यही होता है। अब इन दोनों का सम उसने दिया है 15। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वन इज इक्वल टू इसने दिया है 15। दोनों का सम क्या है, 15 दिया है। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो x और x होता है 2x + 1 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से आ गया 2x = 15 - 1, 2x = 14। यहाँ से x = क्या आ जाएगा, 14/2, ये कट जाएगा 7 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, अब हमें नंबर्स बताने कौन कौन होंगे। देखो x की वैल्यू, एक नंबर तो हमारा आ गया क्या, 7 आ गया, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 7 + 1 = 8। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7 और 8। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका आंसर होगा। दैट्स ऑल। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या दिया, राम इज 8 ईयर्स नाउ। राम अभी 8 साल का है, ही इज 5 ईयर एल्डर देन हिज ब्रदर गोपाल। ठीक है, वो अपने एल्डर ब्रदर से क्या है, ही इज 5 ईयर एल्डर देन हिज ब्रदर गोपाल। गोपाल्स एज आफ्टर 7 ईयर विल बी, गोपाल की एज हमें क्या बतानी है, 7 साल बाद। ठीक है, तो राम इज 8 ईयर नाउ, राम की जो एज है वो कितनी है, 8 ईयर है। तो सेकंड क्वेश्चन है, तो उसने बोला है राम एज, तो राम की एज कितनी है, राम्स एज हम 8 ईयर नाउ, ही इज 5 ईयर एल्डर देन हिज ब्रदर गोपाल। वो अपने ब्रदर गोपाल से कितना बड़ा है, 5 साल बड़ा है। ठीक है, 5 ईयर एल्डर देन हिज गोपाल, गोपाल से 5 साल बड़ा। गोपाल एज आफ्टर 7 ईयर विल बी, गोपाल की एज 7 साल बाद कितनी होगी। तो राम अगर उससे कितना बड़ा है, राम इज 8 ईयर्स नाउ ही इज 5 ईयर एल्डर देन हिज ब्रदर गोपाल, गोपाल से 5 साल बड़ा है। ठीक है, तो 7 साल बाद गोपाल की एज कितनी होगी। देखो तो गोपाल एज कितनी हो जाएगी, गोपाल प्रेजेंट एज कितनी है, 8 - 5 = 3 ईयर। ठीक है, क्योंकि ये जो राम है ये कितना बड़ा है उससे, 5 साल बड़ा है। तो 7 ईयर लेटर कितनी हो जाएगी, 7 ईयर लेटर गोपाल एज इजकल टू 3 + 7 = 10 ईयर। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, बी। इसका भी आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3
थ्री भी एमसीक्यू है, इसने तो बोला है द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ फाइव इज 55, द टू मल्टीप्लाइज आर, टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं यहाँ पर, यहाँ वो नहीं है कि एक एक्स है तो एक एक्स प्लस वन होगा, यहाँ मल्टीप्लाइज दिया है, मल्टीप्लाई ऑफ फाइव, फाइव के मल्टीप्लाइज दिए। क्वेश्चन नंबर थ्री की अगर हम बात करें, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लाइज ऑफ फाइव इज 55, मान लो अगर एक एक्स है तो दूसरा कितना होगा, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स है, अगर ये फाइव का मल्टीपल है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव, और इसने बोला है इन दोनों का जो सम है वो 55 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही बात आएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 55। यहाँ से हम इसको सॉल्व करें, x और x कितना हो गया, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 55, उसके बाद 2x इज इक्वल टू 55 माइनस 5, तो 2x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 50, तो x इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25, ठीक है, तो क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर तो कितना हो गया 25 हो गया, और सेकंड नंबर कितना हो गया 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। इसको आपको नीचे लिखना है, यहाँ पर इसी के सामने नहीं लिखना है, इसको नीचे लिखना है, मैंने तो ये दिखाया कि x की वैल्यू 25 है, तो फर्स्ट नंबर 25 हो गया, सेकंड नंबर 25 प्लस 5 यानी कि 30 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 25 और 30, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, बी, बी ही इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर है द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव व्हेन सिक्स इज एडिड टू ए सर्टेन नंबर 15 इज ऑब्टेंड फाइंड आउट द नंबर, उसने बोला है कि किसी नंबर में अगर सिक्स ऐड करते हैं, ठीक है, व्हेन सिक्स इज एडिड टू ए सर्टेन नंबर 15 इज ऑब्टेंड, तो हमें 15 मिलता है तो फाइंड आउट द नंबर कैसे करेंगे, यहां भी हम सबसे पहले लेट नंबर, यहां भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को मानेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, वो नंबर x है, अब इसने बोला है इसमें जब हम 6 ऐड करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या क्वेश्चन, उसने बोला x में जब हम 6 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 15 मिल जाता है, यानी कि x प्लस 6 इजकल टू 15 हो जाता है, तो नंबर हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से x इजकल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 6 एक्स इजकल टू 9, तो 9 इसका आंसर आ गया, दैट्स ऑल। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम ही है, व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पर 6 ऐड किया था 4 वाले में, 5 वाले में है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले वही लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, नंबर क्या है एक्स, अब उसने बोला है कि नंबर के ट्वाइस में से फाइव अगर सब्ट्रैक्ट कर दे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इसके ट्वाइस में से माइनस फाइव सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, माइनस फाइव कर दें तो हमें मिलता है सेवन, सेवन हमें मिल जाता है, तो हमें नंबर बताना है, चलिए तो यहाँ से हम 2x और इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, तो ट्रांसपोजिशन सेवन ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ x इज इक्वल टू कितना आएगा 12 अपॉन 2, 2 से कैंसिल आउट होगा 6 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है, यही उसने नंबर पूछा है कि नंबर बताइए नंबर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर बात करें सिक्स में क्या है, सिक्स में बोला है द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तीन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स इज 30, तीन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू। ठीक है, तीन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो गए। अब इसने बोला है इन तीनों का सम जो है 30 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 30, तीनों का सम कितना है 30 है, तो हमें वो नंबर बताने, वन टू थ्री, तो थ्री एक्स हो गया, टू और वन थ्री इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से 3x ट्रांसपोज करेंगे उधर, तो 30 माइनस 3 इज इक्वल टू 27, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, 3 9 जा, तो कितना आ गया 9, तो नंबर्स क्या क्या हो गए, नंबर एक तो 9 हो गया फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर क्या है x प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 हो गया, थर्ड नंबर क्या है 9 प्लस 2 यानी कि 11 हो गया। अब हमें चेक करना है कि सही है गलत है, इन तीनों को ऐड कर लो 30 आ जाएगा, 10 और 9 19 और 11 30 होता है, दैट्स ऑल, इतना हमें करना है इसमें। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड, साइड हमें उसकी बतानी है, कैसे हम बताएंगे, देखो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये और ये तीनों साइड इक्वल है, मान लो ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसने बोला क्या है द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है 3a यानी कि 3 इंटू साइड, ठीक है, तो पैरामीटर उसने दिया कितना है 36, तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 3a, ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 अपॉन 3, 3 से कैंसिल करेंगे 12 टाइम, तो a इज इक्वल टू हमारा आ गया 12, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड है वो कितनी है 12 है, यही इसने हमें पूछा है, फाइंड इट्स साइड, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, और इसका पैरामीटर होता है 3 इंटू साइड या 3 इंटू ए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ए हमने साइड माना है और पैरामीटर उसने दिया 36 इज इक्वल टू 3a, तो यहाँ से ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 36 अपॉन 3 या 3 से कट जाएगा 12 टाइम, तो ए इज इक्वल टू आ गया 12, दैट्स ऑल। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में 3 years ago मोहन वाज 15 years, उसने बोला है 3 साल पहले, 3 years ago मोहन वाज 15 years, मोहन 15 साल का था, ठीक है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है, तो लेट मोहन प्रेजेंट एज, मोहन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितनी है एक्स, ठीक है, प्रेजेंट की एज उसकी एक्स है। अब उसने बोला 3 साल पहले यानी कि 3 ईयर एगो मोहन एज कितनी हो जाएगी, 3 ईयर एगो मोहन एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है, और वो कितनी है
15 ईयर्स है, 15 ईयर्स यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 15। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, ये ट्रांसपोजिशन होगा, 3 इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 ईयर। तो मोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 18 ईयर्स है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर दिया है 8 ईयर्स सिंस नाउ राम विल बी 25 ईयर्स, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो राम की प्रेजेंट एज हमें बतानी है। ठीक है, राम की प्रेजेंट एज इसने बोला है 8 ईयर्स सिंस नाउ, 8 ईयर्स सिंस नाउ यानी कि अब से 8 साल आगे, अब से 8 साल आगे राम की जो एज है वो 25 ईयर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, तो लेट राम एज, लेट राम प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। अब उसने बोला अब से 8 साल आगे, ठीक है, सिंस नाउ कितने ईयर है 8 ईयर्स, 8 ईयर्स सिंस नाउ राम इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 हो जाएगी, क्योंकि 8 साल आगे तो 8 साल और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितनी दी है यहाँ पर 25 ईयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें तो राम की प्रेजेंट एज हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 25 ये ट्रांसपोजिशन होगा, तो ये कितना आ गया 17, x इज इक्वल टू 17। तो राम प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 17, राम प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 17 ईयर्स। दैट्स ऑल। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि डिवाइड रुपए 47 बिटवीन ए बी सी सो दैट ए मे हैव रुपए 10 मोर देन बी एंड बी रुपए 8 मोर देन सी। यानी कि 47 रुपए हैं उनको ए बी और सी को बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला है कि ए को बी से 10 रुपये ज़्यादा मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो तीनों को कितने कितने रुपये मिले हैं। ठीक है, वो हमें बताना है कैसे कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए, तो लेट सी मे हैव एक्स रुपए, ठीक है, तो बी मे हैव कितना हो जाएगा, बी को 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब ए मे हैव, ए को बी से भी 10 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी कि बी के पास कितने एक्स प्लस 8 है, अब उससे भी इसको 10 रुपये ज़्यादा मिलते हैं यानी कि प्लस 10 रुपये। ठीक है, अब तीनों को कितने रुपये मिले हैं, तीनों को ऐड करके 47 रुपये थे, 47 को ही हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x प्लस 8 प्लस x प्लस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 47। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं और क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो 1, 2, 3, तो 3x प्लस 8 और 8 16 और 10 26 इज इक्वल टू 47। तो 3x इज इक्वल टू 47 माइनस 26, 7 में से 6 1, 4 में से 2 2। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 21, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, ये कट जाएगा 7 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो c को कितने रुपए मिले 7, तो सी मे हैव 7 रुपये, बी को मिलेंगे 7 प्लस 8 यानी कि 15 रुपये,
और ए को मिलेंगे कितने, 15 + 10 यानी कि 25 रुपये। ठीक है, तीनों का बंटवारा हो गया, 7, 15 और 25, तीनों को ऐड करके देख लो 47 ही आएगा। 25 और 15 कितना होगा, 40, 40 और 7, 47, दैट्स ऑल। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत हल्के हल्के वर्ड प्रॉब्लम इसने दिए हैं, बहुत ज़्यादा इतना कुछ टफ नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। टोटल क्वेश्चन है इसमें 19 क्वेश्चन है। चलिए 18 में कई पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, 17 में 2 पार्ट हैं। चलिए कोई नहीं, अभी यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 36। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो 36 है। ठीक है, द कोशेंट व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय द अदर इज 4, तो फाइंड टू इंटीजर्स। देखो इसने क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका डिफरेंस 36 है। द कोशेंट व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय द अदर, जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है, तो फाइंड टू इंटीजर्स। सब देखो बहुत आसान है, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू हो गया एक्स। ठीक है, तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर क्या बोला था उसने, दोनों का जो डिफरेंस है वो 36 है, 36 है ना, हाँ 36 है, यानी कि जब एक x है तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 36 हो गया। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 ही आएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अब उसने बोला है द कोशेंट व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय द अदर इज 4, जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x प्लस 36 अपॉन x इज इक्वल टू कितना मिलता है हमें, 4 मिलता है। यही उसने बोला है कि जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें 4 मिलता है, तो हमें वो इंटीजर बताने। तो देखो यहाँ क्रॉस मल्टीपल आ गया, अगर इसके अपॉन में हम 1 मान लें तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, दैट्स ऑल। x प्लस 36 क्योंकि 1 की हम किसी में भी मल्टीप्लाई कर दें वही रहता है, और 4 की अगर x के साथ करेंगे तो 4x आएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करें, ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा, 4x को इधर लेके आना पड़ेगा, 36 को उधर, तो x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 36। अब देखो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो माइनस 4x और x यानी कि माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस 36। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, जब माइनस से माइनस कैंसिल हो गए तो ये क्या बचा, 3x इज इक्वल टू 36 बचा, तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 अपॉन 3, ये इससे कट जाएगा 12 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई 12, यानी कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो हमारा हो गया 12। फर्स्ट इंटीजर ये आ गया हमारा फर्स्ट इंटीजर, और सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, 12 + 36 यानी कि कितना हो गया, 48, दैट्स ऑल। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, 48 को 12 से डिवाइड कर लो 4 आएगा, यही उसने बोला था, 48 को हम 4 से डिवाइड करेंगे वो 12 से, तो 12 4 जा कितना होता है, 48 होता है, दैट्स ऑल, यही इसका आंसर। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द प्राइस ऑफ 3 tables and 5 chairs इज ₹7050, बट ए टेबल कॉस्ट ₹150 मोर देन ए चेयर, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच, तो हमें हर एक का प्राइस बताना है। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है,
द प्राइस ऑफ थ्री टेबल्स एंड फाइव चेयर इज रुपये 7050 बट ए टेबल कॉस्ट रुपये 150 मोर देन ए चेयर एक चेयर से 150 रुपये ज़्यादा है किसका टेबल का कॉस्ट फाइंड द प्राइस ऑफ ईच तो हम क्या करेंगे लेट चेयर कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स तो टेबल कॉस्ट क्या हो जाएगी उसने बोला है 150 रुपये ज़्यादा है तो एक्स प्लस 150 ठीक है चलिए अब उसने बोला है कि थ्री टेबल्स एंड फाइव चेयर जब एक टेबल का इतना है तो थ्री टेबल का तो अकॉर्डिंग टू वही स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या स्टेटमेंट तो थ्री टेबल का कितना होगा थ्री इंटू एक्स प्लस 150 ठीक है थ्री टेबल्स है हाँ थ्री टेबल्स और फाइव चेयर और एक चेयर का एक्स है तो फाइव चेयर का कितना हो जाएगा 5x और दोनों का मिला के उसने बताया है 7050 ठीक है देखो एक चेयर का एक्स था तो फाइव चेयर का 5x हो गया एक टेबल का एक्स प्लस 50 था तो तीन टेबल का 3 × x + 150 हो गया अब दोनों का मिला के कितना हो गया 7050 दोनों को ऐड कर दिया अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो पहले 3 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 450 प्लस 5x इज इक्वल टू 7050 अब 5x और 3x हमारा हो गया 8x इज इक्वल टू 7050 माइनस 450 ट्रांसपोजिशन हो जाएगा 450 उधर चला जाएगा तो यहाँ से आएगा 8x इज इक्वल टू यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 5 में से 5 0 10 में से 4 6 और ये 6 ठीक है 450 सब्ट्रैक्ट हो गया चलिए अब यहाँ से हम इसकी कॉस्ट निकालें तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6600 अपॉन 8 8 जा 64 4 बचेगा 8 5 जा और 0 तो x इज इक्वल टू आ गया 850 यानी कि जो चेयर का कॉस्ट है वो 850 रुपये तो नीचे लिखेंगे चेयर कॉस्ट इज इक्वल टू 850 एंड टेबल कॉस्ट इज इक्वल टू 850 प्लस 150 इज इक्वल टू 1000 दैट्स ऑल ठीक है इतना हमें करना है इसमें तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया 850 और 1000 825 आ रहा है प्राइस ऑफ चेयर कहीं कुछ गड़बड़ है क्या 7050 है ठीक है माइनस 450 है 15 × 3 = 15 = 4 ठीक है 5 × 3 = 8 हो गया और 150 रुपये ज़्यादा है ठीक है दोनों को ऐड कर दिया 7050 3x और 5x 8x हो गया 7050 450 0 5 में से 5 0 10 में से 4 6 6 तो x इज इक्वल टू ये 8 जा 64 4 बचेगा 8 5 जा 40 850 नहीं यही आएगा ठीक है यही आंसर लेट चेयर कॉस्ट इज इक्वल टू x फाइंड द प्राइस ऑफ थ्री टेबल्स एंड फाइव चेयर थ्री टेबल का 3 × x + 150 और फाइव चेयर का 5x हो गया 3x + 7050 ठीक है 5 × 3 = 8x 7050 - 450 8x इज इक्वल टू इसमें से 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 5 में से 5 0 10 में से 4 6 10 आया ना 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 और यहाँ 6 बचा ही x इज इक्वल टू तो 8 जा 64 होता है 64 तो 2 बचा ओहो हो यहाँ गड़बड़ किया हमने यहाँ डिवाइड करने में गड़बड़ किया है देखो ये आया x इज इक्वल टू 6600 अपॉन 8 तो 8 जा 64 है 66 से 2 बचा तो 8 2 जा और 8 5 जा तो x इज इक्वल टू आ गया 825 तो यहाँ ये चेंज हो गया ठीक है ये क्या हो गया कि चेयर कॉस्ट कितनी आ गई चेयर कॉस्ट इज इक्वल टू 825 रुपये और टेबल कॉस्ट इज इक्वल टू 825 प्लस 150 रुपये 578 दैट्स ऑल ये हमारा सॉल्व हो गया
आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कल स्टार्ट करेंगे। और हाँ, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को, और वीडियो को ज़रूर देखा करो, ठीक है, कम से कम दो बार वीडियो देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, गुड डे, थैंक यू।